थैंक यू जीसस से कोई थी कोई थी मुझ में कोई भी खूब न थी कोई खूबी ना थी कोई खूबी ना थी मुझ में कोई भी खो बिना थी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का मैं आज की सुबह में स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं प्रभु भला है और हमें अद्भुत तरीके से लेकर चल रहा है इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज प्रभु के वचन में से एक वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो शायद हमने कई बार पढ़ा भी होगा और उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है या जो रियल मीनिंग है हम कितना समझ पाए आ, हमें नहीं पता है मगर मैं आज इस वर्ड्स को जब शेयर कर रहा हूं मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करेगा आज हम लोग पहला कुरंथियो इसका पहला अध्याय और उसकी छब्बीसवीं आयत चैप्टर वर्स ट्वेंटी हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर लिखा हुआ है हे hey भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अपने बुलाए जाने को सोचो अब जब हम लोग इस वर्स को पढ़ते हैं तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर किस कारण से लिखा गया क्यों लिखा गया इस विषय को हम लोग समझेंगे बड़े ध्यान से आज के वचन को समझिए क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है कुरिंथी की की के लिए की ये पत्री थी और ये एक ऐसे सिटी में ऐसे स्थान पर अर्थात कुरिंथ में रहती थी जो एक मॉडर्न अर्बन एरिया था और यहाँ पर पाप जो है बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा था और ऐसे समय में भी जहां पर पाप बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा था पाप करने की बहुत अपॉर्चुनिटी थी, थी। पॉलुस ने कलिसिया की स्थापना करी और पॉलुस चाहता था कि यहाँ पर ये लोग परमेश्वर के आ, परमेश्वर के कार्यों को करें और इस अंधकार के स्थान में ये एक उज्याला बनकर चमके और ऐसे समय में जो लोग इस कलिसिया में थे इस कलिसिया के लोगों में कहीं ना कहीं फूट आने लगी प्रॉब्लम आने लगी और उसका एक उसके कई प्रकार के रीजन थे मगर आ, पाप रीजन था वैविचार रीजन था मगर एक जो रीजन था वो आज इस इस समय हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोगों से कहता है कि हे hey भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए ध्यान से वो कहता है कि तुम सामर्थ्य थे इसलिए तुमको, तुम सामर तुमको बुलाया नहीं गया तुम बहुत ज्यादा कुलीन थे कुलीन अर्था, अर्थात अर्थात वेल्दी हमको याद होगा कि अः सुनेम वासी स्त्री के लिए इस वर्ड को यूज किया था कुलीन वेल्दी सो so, तुम ज्ञानवान थे तुम सामर्थी थे और तुम बहुत धनी थे इसलिए तुम बुलाए नहीं गए सो कुरिंती की कुरिंत की कलिश्या के लिए पोलुस कहता है कि तुम्हें प्रभु ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम ज्ञानवान हो तुम सामर्थी हो और तुम बहुत पैसे वाले हो इसलिए तुम्हें नहीं चुना गया और आज परमेश्वर का आत्मा हमें भी इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं तो प्रभु मुझसे भी कह रहा है कि विशाल तुम ज्ञानवान थे इसलिए तुम्हें नहीं चुना गया तुम सामर्थ्य थे इसलिए तुम्हें नहीं चुना गया और तुम बहुत अमीर थे इसलिए भी तुम्हें नहीं चुना गया मगर तुम क्यों चुना गया आगे लिखा हुआ है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे अब सुनिएगा यहाँ पर बाइबल कहती है कि तुम मूर्ख थे इसलिए तुम्हें चुन लिया कि तुम ज्ञानवानों को लज्जित करो तुम निर्बल थे इसलिए तुम्हें तुम बलवानों को लज्जित करो सो so, हमारा जो चुनाव हुआ है या फिर परमेश्वर जब किसी को भी चुनता है सो प्रभु उसके ज्ञान को उसकी सामर्थ को उसके धन को देखकर उसे नहीं चुनता मगर जब परमेश्वर चुनता है परमेश्वर इस बात को देखकर चुनता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है परमेश्वर इस बात को देखकर चुनता है कि ये व्यक्ति जो है वो निर्बल है सो हमें क्यों चुना गया हमें क्यों प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी उसके किंगडम को जानने की वो इसलिए दी गई क्योंकि हम ना ज्ञानवान थे ना हम सामर्थी थे ना हम वेल्दी थे हम अमीर नहीं थे और ना ही हम लोग बाइबल कहती है कि हम लोग मूर्ख थे और हम लोग निर्बल थे इसीलिए हमारा चुनाव हुआ देखिए जब हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं कहीं ना कहीं शैतान हमारे माइंड में एक घमंड को ला देता है और विशेषकर ये घमंड जो है ये आत्मिक लोगों को आध्यात्मिक लोगों को बहुत होता है वे अपने आप को ज्ञानवान समझने लगते हैं वे अपने आप को सामर्थ्य समझने लगते हैं और वे अपने आप को बहुत अमीर समझने लगते हैं जब कोई व्यक्ति प्रभु का होने के बावजूद अपने आप को इन कैटेगरीज में लेकर आता है ध्यान रखिएगा वो इस बात को भूल गया है कि परमेश्वर ने उससे क्यों बुलाया जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का बुलाना हमारे ज्ञान के कारण नहीं हुआ है आपको बताए जब आपके लाइफ में ये प्राइड आने लगता है आप परमेश्वर के कामों से ऑटोमेटिकली अलग होने लगते हो जब आपकी लाइफ में ये प्राइड आने लगता है कि आप चर्च में ज्ञानवान हो, जब आपकी लाइफ में प्राइड आने लगता है कि आप सामर्थी हो गए हो जब आपको लगने लगता है कि आप दूसरों से अमीर हो गए हो आपके माइंड में जब ये सारी बातें आने लगती है आप परमेश्वर की उस बुलाहट से अपने आप को अलग करने लगते हो ये कलिस्या बहुत महत्वपूर्ण कलिस्या में से एक कलिसिया थी जिसे पॉलुष ने स्वयं जिसका निर्माण किया था वहां के लोगों को पॉलुष जानता था सो so, जब उसने इस को बनाते समय जब उसने इस कलिस्या को बनाया था उस कलिस्या को बनाते समय उसने इस बात को पाया था कि प्रभु ने जिन लोगों को भी चुना वो वो निर्बुद्धि और जिनके पास बल नहीं है जो ज्ञानवान नहीं है जो सामर्थ्य नहीं है जो अमीर नहीं है उनको प्रभु ने चुना है मगर जब परमेश्वर इनके जीवन में आया ये अपने आप को समझने लगे और इसलिए पोलुष कहता है अपने बुलाए जाने को तो सोचो चर्च जब हम कुछ भी नहीं थे तब परमेश्वर ने हमें चुना है जब हमें कोई योग्यता नहीं थी तब परमेश्वर ने हमें चुना जब हमें कोई लायकी नहीं थी तब परमेश्वर ने हमें चुना जब आप अपने उस प्रारंभ के समय को याद करते जब आपके जीवन में उद्धार आया आप क्या इस बात को याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं था प्रभु मेरे जीवन में प्रभु सब कुछ चीजें शून्य थी और आपने मुझे चुना और आज भी प्रभु मैं मैं अपने कारण यहाँ पर नहीं हूं मैं आपके ग्रेस के कारण यहाँ पर हूं आज भी मैं वैसे ही प्रभु जी व्यक्ति हूं जो सुनिएगा ध्यान से आपका वेल्दी होना आज आपका वेल्दी होना आज आपका ज्ञानवान होना आज आपके जीवन में कुछ बातों का होना आज आपका अल्टर पर खड़े होना आज आपका वर्शिप लीड करना या वर्शिप टीम में इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या कोई भी ऐसा कारण हो याद रखिएगा आपको कभी भी अपनी बुलाहट से अलग कर आपको घमंड में ना लेकर आए यदि ये बातें आपके जीवन में हो रही है आप कहीं ना कहीं प्राइड करने लग रहे हैं मुझे चर्च में ये मिल गई है, मैं चर्च में ये काम करता हूँ चर्च में वो काम करता हूँ मैं चर्च में इस पोस्ट पर हूँ मैं चर्च में ये करता हूँ मैं चर्च में पास्टर हूँ मैं चर्च में प्रभु का सेवक हूँ ये बातें हमारे जीवन में हमारी बुलाहट को भुलाने लगती है इसलिए पॉलुस कहता है हे hey भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो तुम्हें किस प्रकार से प्रभु ने बुलाया था मैं अपने 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 जीवन में हर समय अपने पुराने दिन प्रारंभिक दिनों को याद करते रहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देते रहता हूँ मेरे जीवन में कोई भी मिराकल होता है मेरे जीवन में कोई भी आश्चर्य कर्म होता है मेरे जीवन में कोई भी भलाई प्रभु करता है मेरे जीवन में कोई भी प्रभु जी अपने अपने फेवर को लेकर आता है मैं अपने उन प्रारंभिक दिनों को स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बैठ जाता हूँ और प्रभु से कहता हूँ प्रभु जब मैंने प्रारंभ किया था मैंने कभी नहीं सोचा था प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा ऐसा करने वाले हैं प्रभु आप मेरे जीवन में ये अनुग्रह देने वाले हैं मैंने कभी नहीं सोचा था प्रभु आप ऐसा करने वाले हैं और मैं उन पुराने दिनों को स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ करता हूं जब आप कुछ बन गए हैं तब आप प्रभु को भूल तो नहीं गए जब आपके जीवन में कुछ आ गया है तब आप अपने जीवन में प्रभु को भूल तो नहीं गए मैंने एक बहुत दुर्दशा को इन दस सालों की सेवकाई में देखा एक बहुत पेनफुल लोगों का बिहेवियर जो मैंने अपने इन दस साल की सेवकाई में देखा और वो पेनफुल बिहेवियर क्या है पता है जब लोगों के जीवन में लोगों को प्रभु की जरूरत थी लोगों को अपने जीवन में प्रभु से कुछ लेना था प्रभु से कुछ काम था मैंने लोगों को चर्च में रेगुलर मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए मैंने लोगों को परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करते हुए मैंने लोगों को परमेश्वर के लिए अथा प्रेम दिखाते हुए मैंने लोगों को चर्च के लिए बढ़ चढ़ कर उत्साहित हो, होते हुए देखा है जिस मोमेंट पर उनकी प्रेयर्स आंसर हो गई जिस मोमेंट पर उनका सीजन बदल गया जिस मोमेंट पर परमेश्वर ने उनकी प्रेयर को आंसर कर दिया उसके बाद मैंने उनके जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम को एकदम ठंडा पाया एक समय था जब वो पास्टर से पूछते थे पास्टर कहाँ आना है क्या करना है प्रभु के लिए क्या काम करना है और उसके बाद पास्टर को उन्हें ढूंढना पड़ रहा है कि आप कहाँ हो चर्च क्यों नहीं आ रहे हो आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो आप महीने में दो बार क्यों आते हो चल सुनिएगा ध्यान से हम अपने बुलाए जाने को हम अपने बुलाहट को भूल गए हमें प्रभु ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम ज्ञानवान थे हमें प्रभु ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम बहुत अमीर थे हमें प्रभु ने इसलिए नहीं चुना कि हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी कुछ बातें थी हमें प्रभु ने इसलिए चुना क्योंकि हम अयोग्य थे और उसने इसलिए चुना कि वो हमें योग्य बना सके जरूर आज हम योग्य बन गए ध्यान से सुनिएगा आज प्रभु ने हमें एस्टेब्लिश कर दिया होगा आज प्रभु ने हमें आशीषित कर दिया होगा प्रभु ने हमें हमें उन 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 मूर्खों को लज्जित करने के लिए आज प्रभु ने हमें ज्ञानवान कर दिया है मगर ध्यान रखिएगा अपने बुलाहट को कभी नहीं भूलना है हम कैसे बुलाए गए थे हम किस परिस्थितियों में बुलाए गए थे हम क्या क्या प्रार्थना निवेदन लेकर आए थे हम किस कंडीशन में प्रभु के पास आए थे इसे कभी नहीं भूलना यदि हम इन बातों को कभी नहीं भूलेंगे प्रभु आपको और इस्तेमाल करता है यदि आप अपने जीवन में इन इन बातों को कभी नहीं भूलेंगे कि प्रभु आपने हमें किस तरीके से बुलाया था हम क्या थे प्रभु हम कौन थे पिता परमेश्वर मैं हर बार इस बात को अपने जीवन में स्मरण रखता हूँ मेरे जीवन में कुछ भी बड़ा कार्य होता है मेरे जीवन जीवन में कुछ भी बड़ी बात होती है मैं एक बात याद रखता हूँ प्रभु जब आपने मुझे चुना था जिस दिन आपने मुझे चुना था प्रभु मैं वही लड़का था पिता परमेश्वर जिसने अपने लाइफ में गिव अप कर दिया था मैं वो लड़का था पिता परमेश्वर जिसके जिसके जीवन में कुछ कुछ भी बेहतर नहीं था ना फाइनेंस था ना पैसे थे ना ना कुछ भी अच्छा नहीं था प्रभु मगर प्रभु आपने ऐसे लड़के को भी चुना प्रभु ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि प्रभु मैं आपकी सेवकाई कर पाता आपने प्रभु मेरी सूरत देखकर मुझे नहीं बुलाया आपने मेरा पैसा देखकर मुझे नहीं बुलाया क्योंकि ये सारी चीजों में से कुछ भी मेरे पास नहीं था मेरे पास बोलने की योग्यता नहीं थी मुझे बोलते नहीं आता था मैं मैं उस उस बुलाए जाने के दिन को याद कर रहा हूं याद रखिएगा मूसा ने अपने जीवन में जब प्रभु ने उसे बुलाया उसे बोलते तक नहीं आता था वो बोलने में परिपूर्ण नहीं था वो स्वयं कहता है प्रभु मैं मैं बोलने में भद्दा हूं प्रभु प्रभु मुझे मुझे बोलते नहीं आता प्रभु मैं कैसे तेरे लिए काम करूँगा मैं कैसे उस राजा के पास जाकर कहूंगा कि मेरे लोगों को जाने दे प्रभु मुझे बोलते नहीं आता जब उसे प्रभु ने बुलाया उसमें उसमें कमी थी उसमें घटी थी अगर जब जब प्रभु ने उसे बुलाया वो इस्तेमाल किया गया एक दिन उसका उस उसके जीवन में भी एक प्रकार से कहना चाहिए एक प्राइड आ गया जिस समय परमेश्वर ने उसे चट्टान से जाकर बात करने के लिए कहा और पानी निकलेगा ये कहा था मगर वो जाकर लोगों से कहता है क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा वो भूल गया पानी निकालने वाला वो नहीं है वो भूल गया पानी निकालने वाला वो स्वयं नहीं है पानी निकालने वाला सेनाओं का यह है और वो गुस्से में जाकर जिस चट्टान से बातचीत करना थी उस चट्टान को जाकर लकड़ी मार देता है पानी निकल जाता है प्रभु लोगों को पानी दे देता है अगर बाइबल कहती है जो वायदे प्रभु ने मूसा से किए थे प्रॉमिस प्रॉमिस लैंड लैंड के विषय में वो उस को नहीं देख पाए आपके जीवन में आपने जो शुरुआत करी थी आपके जीवन में जो प्रारंभ प्रभु ने किया था उसे नहीं भूलना आपके जीवन में जो प्रभु ने प्रारंभ किया था आपको जिस तरीके से चुना है उसे नहीं भूलना आज आपके जीवन में शायद सब कुछ बेहतर हो गया होगा आपके जीवन में शायद सब कुछ सही हो गया होगा आपके जीवन में शायद सब कुछ सही तरीके से चल रहा होगा आपके आपके जीवन जीवन में में आपकी शायद शायद आंसर हो गई होंगी जीवन में शायद अब आप बुद्धिमान हो गए होंगे आपके जीवन में शायद आप अब इस समय बहुत बलवान हो गए होंगे आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो गए हो गए होंगे आप अपने जीवन में सब कुछ तरीके से प्रॉपर हो गए होंगे मगर अपने बुलाए जाने को नहीं भूलना क्योंकि यदि आप अपने बुलाए जाने को भूल गए आप अपने आप को बलवान अपने आप को समृद्ध अपने आप को ज्ञानवान समझने लगे आप अपने उस बुलाहट को खो देंगे मैं आप सबको आज के सुबह में इनकरेज कर, कर कहना चाहता हूँ अपने बुलाए जाने को तो सोचो किस दशा में किस कंडीशन में और किस तरीके से प्रभु ने आपको बुलाया था आपके लाइफ में यदि कोई भी प्राइड इन दिनों में आ रहा है यदि आप सोच रहे आई एम समथिंग मैं कुछ हूं मैं कुछ हूं आइए इसे खत्म करते, इस को खत्म करते आपने बुलाए जाने को याद रखते हैं प्रभु ने जब मुझे चुना था मैं क्या था जब प्रभु ने मुझे चुना था मैं क्या था मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत करी है अगर आपके लाइफ में कोई भी प्राइड आपके लाइफ में कोई भी कमांड आपके लाइफ में कोई भी ऐसी बात आ रही है जो आपकी लाइफ में एक घमंड को उत्पन्न कर रही है मैं आपको इनकरेज कर, कर कहना चाहता हूं आइए उस उस प्राइड में से बाहर आते हैं आइए उस उस घमंड में से बाहर आते हैं आइए फिर से क्यों ना एक, एक नए जन्मे हुए बच्चे के जैसे अपने पिता से अपनी माता से चिपक कर उसकी बातों को सुनते हैं वो पहले पहले कैसे प्यार को मत भूल जाइएगा वो पहले सी की दशा को जब आपने प्रारंभ किया था मत भूल जाइएगा मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है मैं बिलीव करता हूं कि आप में से कोई भी अपने आप को कुछ नहीं समझेगा बस अपने उस बुलाए जाने को स्मरण रखेगा सो so, प्रभु आपको ब्लेस करे प्रभु आपको आशीषित रखे प्रभु आपको स्मरण करा कर रखे हम हमारी योग्यता के कारण नहीं हम अपनी मूर्खता हम अपने वीकनेस और हम अपने कुछ नहीं होने के कारण चुने गए हम उसे नहीं भूलेंगे सो so, प्रभु आपको ब्लेस करे मैं आपको ये वर्ड इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आप में से कोई डीमोटिवेट हो जाए मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि प्रभु को मत भूलिए प्रभु को मत भूलिए प्रभु के उपकारों को मत भूलिए अपनी बुलाहट को मत भूलिए जब सारी प्रांसर हो गई प्रभु को मत भूलिए जब सब कुछ बेहतर चल रहा है घर में प्रभु को मत भूलिए आपके पास घर आ गया कार आ गई आपके पास सब कुछ आ गया आपके पास बच्चे हो गए प्रभु को मत भूलिए कोई भी अपने जीवन में प्रभु को ना भूले अपने बुलाए जाने को अपनी बुलाहट को स्मरण रखे प्रभु आपको ब्लेस करे प्रभु आपको आशीषित रखे प्रभु आपके जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह बना कर रखे हर समय आप ग्राउंडेड रहे इस बात को याद रखते हुए आप क्यों और किस समय पर बुलाए गए थे आप ये कभी ना भूलने पाए प्रभु आप सभी को ब्लेस करे जस्ट इस लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग के एंड होने के बाद एक छोटी सी प्रेयर जस्ट एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु ने मेरे हृदय में है तो कोई भी लीव नहीं होगा जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं उस एक प्रेयर को करो और उसके बाद हम लोग लेफ्ट होंगे हम लोग रिकॉर्डिंग इस समय यूट्यूब के लिए जो करते हो ऑफ कर देंगे